हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके एजुकेशनल चैनल में नॉलेज मीडिया में। दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नॉलेज पॉइंट से। ये एक नॉलेज पॉइंट है, जो इंटरेस्टेड है वो इसको पढ़ सकता है। और फिर हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। फटाफट आप नॉलेज पॉइंट पढ़ लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आशा करता हूँ आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा टॉपिक रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। यू आर फैमिलियर, जस्ट अ सेकंड साइड कर दूँ आप सभी। यू आर फैमिलियर विद द फिनोमिना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। आप इस फिनोमिना से फैमिलियर होंगे, आप इसको जानते होंगे। ये फिनोमिना में हम रस्ट को, मतलब आयरन को रस्ट करते हैं, मतलब ये फिनोमिना है एक। रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज फॉर्म्ड। आप उस रिएक्शन को रिकॉल कर सकते हो जिससे रस्ट फॉर्म होती है। यू हैड आल्सो परफॉर्म्ड इन क्लास 7th एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। आपने 7th क्लास में एक एक्टिविटी परफॉर्म करी होगी जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था। यू हैड लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। आपने याद रखा, मतलब आपने लर्न किया था कि दोनों प्रोसेस में ऑक्साइड फॉर्मेशन रहती है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। आप इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं जिसमें हम आयरन, रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ आयरन और मैग्नीशियम का रिएक्शन है। जो इंटरेस्टेड है वो इस फॉर्मूले को लिख सकता है। दो फॉर्मूले है ये दोस्तों, पहले ही बता देता हूँ आपको कि गलती नहीं करनी। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ये ऑक्सीजन का, मतलब इसे O2 है, O2 ऐसे लिखा हुआ है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो ओ ऐसे लिख देते, सही लिखते हैं, पर टू को ऊपर लिख देते हैं। नहीं, ये गलत है, आप बुक में भी देख सकते हैं। आपको ओ सही लिखना है, ओ आप सही लिखते हैं और टू को नीचे करना है। सही से देख के फॉर्मूला को लिखना, गड़बड़ मत करना। सभी ने फॉर्मूला लिख लिया होगा। अब ये एक्टिविटी, जो इंटरेस्टेड है वो इस एक्टिविटी को कर सकता है।
आशा करता हूँ आप सभी ने एक्टिविटी को कर लिया होगा। अब यहाँ पे पहली मैडम क्या कह रही है, डस कॉपर आल्सो गेट रस्टेड। पहली मैडम ये पूछ रही कि कॉपर भी रस्ट हो सकता है। आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सर्फेस ऑफ कॉपर वेसल्स। पहली मैडम ने ग्रीनिश डिपॉजिट देखी है कॉपर वेसल्स के सर्फेस पे। फ्रेंड्स ये भी नॉलेज पॉइंट है, जो इंटरेस्टेड है वो उसको पढ़ सकता है। आशा करता हूँ आप सभी ने नॉलेज पॉइंट पढ़ ही लिया होगा। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। अब आप रिकॉल कर सकते हो एक्टिविटी जो मतलब उस एक्टिविटी में हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, उस एक्टिविटी को आप रिकॉल कर सकते हो। द एश ऑब्टेंड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक बेसिक नेचर। ऐश हमें मिला था बर्न करने पे मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने पे जो हमें ऐश मिला था वो वाटर में डिसॉल्व हुआ था टेस्ट करने के लिए कि उसका नेचर एसिडिक है या बेसिक है। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, हाउ डू यू एसर्टेन दिस। उसका सॉल्यूशन एसिडिक था या बेसिक था, आपने इसको कैसे मतलब पहचाना। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न ब्लू। आपको पता होगा कि मतलब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट होता है। सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज आल्सो बेसिक इन नेचर। इसी वजह से मैग्नीशियम की ऑक्साइड भी बेसिक नेचर होगी, नेचर में बेसिक होगी। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जनरली मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं नेचर में। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। अब हम ऑब्जर्व करेंगे नॉन मेटल्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। ये एक्टिविटी है, जो इंटरेस्टेड है वो इसको कर सकता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, ये देखिए इम्पोर्टेंट है, टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। आप बड़े हैं तो मतलब जो भी बड़ा है वो एक्टिविटी को ही देख रहा है, वो इस करना, नहीं तो ये क्लास टीचर से ही डिमॉन्स्ट्रेटेड होगी। ये आप बच्चे मत करना, अपनी क्लास टीचर को ही बोलना है, फिर किसी बड़े को बोलना, ये इम्पोर्टेंट है, खुद मत करना आप। एक काम करते हैं, हम इस एक्टिविटी को छोड़ ही देते हैं क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप कहाँ से अपने टीचर के पास जाओगे सब करोगे। एक काम कीजिए, आप ये पढ़ लीजिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड एसिडिक एंड बेसिक। ये एक्टिविटी मान सकते हैं आप, ये टेबल है, पहले आपको टेबल बनानी है,
मैं सब समझाऊंगा बाद में, नंबर यहाँ पे ऐसे सब ये बाद में समझाऊंगा, आपको पहले टेबल बनानी है, ये नंबर नेम ऑफ द बेस ये सब लिखना है और सबसे लास्ट में अपने ऑब्जर्वेशन करने हैं। अब मैं समझाता हूँ क्या है, यहाँ पे नंबर की सीरीज गिवन है, यहाँ पे नेम ऑफ द बेस दे रखा है, आपको भी लिखने एक दे रखा है बुक वालों ने, आपको 2 3 4 ऐसे आप जितना आपको पता है वो करने हैं। फिर उनका मेटल बताना है जिसमें जिसमें दे रखा है बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका मेटल है कैल्शियम। नेम ऑफ द एसिड लेना है आपको सल्फरिक एसिड, नॉन मेटल सल्फर, ऐसे आप कर सकते हैं, आपको खुद को ही लिखना है सब कुछ। आशा करता हूँ आप सभी ने टेबल बना ली होगी और अपने ऑब्जर्वेशन लिख लिए होंगे। जल्दी वीडियो का एंड, ये मतलब जल्दी ये एंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, छोटी सी करनी है, इसलिए आप वीडियो अगर आपकी नहीं हुई तो वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं। अब हम करने जा रहे हैं वीडियो को एंड। अगर वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।